मुस्लिम समुदाय का एक प्रमुख पर्व है। इस पर्व को इस्लाम धर्म में बहुत ही जद्दोजहद से मनाया जाता है। इस्लाम धर्म को मनाने वाले माह रमजान में रोजा रखते हैं और फिर पूरे एक महीना रोजा रखने के बाद उन्हें ईद का चांद का दीदार होता है। चांद देखने के बाद ही ईद पर्व की शुरुआत हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि ईद का पहला आधिकारिक उत्सव 624 ईस्वी में हुआ था। ईद उल फितर की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि इतिहास में इसी दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई से जीत हासिल की थी। लोगों ने मिठाइयां बांटकर पैगंबर की उपलब्धि पर अपनी खुशी का इजहार किया। मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में ईद उल फितर का उत्सव शुरू हुआ। मान्यता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी। इस जीत की खुशी में उन्होंने सबका मुंह मीठा करवाया था, इसलिए इस दिन को मीठी ईद या ईद उल फितर के रूप से मनाया जाता है। ईद का त्यौहार सबसे पहली बार 2 हिजरी यानी 624 ईस्वी में मनाया गया था। कहा जाता है कि ईद का त्यौहार मनाए जाने की शुरुआत मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में हुई थी। रोजे पूरे होने की खुशी में अल्लाह का तोहफा ईद होता है। पूरे एक महीने तक रोजा रखने और अल्लाह की इबादत पूरी होने की खुशी में भी ईद मनाई जाती है। कुरान के अनुसार ईद को अल्लाह की ओर से मिलने वाला इनाम का दिन भी माना जाता है। इस दिन मुसलमान पूरे एक महीने के रोजे के बाद दिन के उजाले में पकवान खाते हैं और खुशियां मनाते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार ईद मनाने से पहले मुसलमान समुदाय के लिए चांद देखना जरूरी होता है। मान्यता है कि शरीयत में अपनी आँखों से देखने और गवाही से ही सबूत का एतवार है, इसलिए शबे बरात, शबे कद्र, ईद और ईद उल अजहा जैसे त्यौहार से पहले लोग चांद देखते हैं। ईद उल फितर मुसलमान रमजान उल मुबारक के महीने के बाद मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं, जिसे ईद उल फितर कहा जाता है। ये यकम शवाल अल मुकर्रम को मनाया जाता है। ईद उल फितर इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने शवल के पहले दिन मनाया जाता है। इस्लाम के अनुसार कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसे अल्लाह ने मुसलमानों पर वाजिब कर दिया है। दरअसल कुर्बानी का सिलसिला ईद के दिनों को मिलाकर 3 दिनों तक चलता है। मुस्लिम समाज अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करता है। सऊदी अरब में अर्धचांद का दिखना भारत में ईद उल फितर समारोह के लिए महत्व रखता है। समय के अंतर के कारण भारत आमतौर पर सऊदी अरब की तुलना में एक दिन बाद ईद मनाता है। इस दिन सभी मुस्लिम लोग सुबह की नमाज अदा करते हैं और उसके बाद सभी से गले मिलकर सभी गिले शिकवे मिटाकर पूरी एकता के साथ ईद का त्यौहार मनाते हैं और हर किसी का मुंह मिठाकर खुशियां बांटते हैं।